तो 14 साल का वनवास जो है आपने रामायण में सुना होगा, लेकिन इस युग में भी यानी कल युग में भी 14 साल का वनवास देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं सूरजपुर छत्तीसगढ़ की, जहां 14 साल गुजरने के बाद परिवार से एक महिला मिल सकी। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरिया का है, जहां 14 साल पहले लापता होने वाली प्रमिला यादव पश्चिम बंगाल के 24 परगना के आसरा नाम के अनाथ आश्रम में मिली। सूरजपुर जिले की प्रमिला यादव 14 साल पहले यानी 2006 में दिमागी हालत खराब होने के कारण अपने घर से अचानक निकल गई। घर वालों ने प्रमिला को खोजने के लिए दूसरे राज्य में गए, लेकिन निराशा हाथ लगी। उसके बाद पति दुलेश्वर यादव ने थाना भटगांव में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पर कहीं पता नहीं चला। फिर कुछ समय बाद इंटरनेट और पुलिस के सहयोग से प्रमिला मिल गई, जिसके बाद पुलिस की मदद से प्रमिला को वापस सूरजपुर लाया गया, जिससे दो परिवार फिर से मिल गए और परिवारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ₹2006 से 14 साल हो गया और बहुत खोजे, चारों तरफ खोजे, उत्तर प्रदेश तक खोजे, मतलब बघनी से 30-35 किलोमीटर एक भावर राउंड लगाए साइकिल पर, आओ इधर पूर्व साइड खोजे, बहुत दूर तक खोजे, मान लीजिए चारों तरफ खोजे, बनारस तक खोजे, इधर मैहर तक खोजे, कटनी बघनी जितना रास्ते में मिले, मतलब सब में बीच बाच में खोजे, 6-7 साल हो गया खोजते रह गए। फिर मान लीजिए कि आज भी तलाश में लगे थे, पैर भी मेरा भाई मान लीजिए 2 बार टूट गया, और 5 बच्चे थे, बड़ी कष्ट से हम लोग निवारण करे हैं। मगर आज 14 साल हो गई, अब उसका माइंड थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना, और खोजते खोजते मैं आसपास छत्तीसगढ़ में पूरा खोजा, यहाँ नहीं मिला, तब बाहर चली गई। अब इन साल उसका चिट्ठी पत्र आया तो फिर गए लड़का लोग को लाए कलकत्ता आश्रम में। अब तो अच्छे लग रहा है, अब लड़की आ गई, लड़की का भला कैसे नहीं याद आई साहब, भगवान के भी प्रार्थना कर रहे थे कि हे ईश्वर प्रभु आपका दुहाई है, अगर कहीं जिंदा होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे। हाँ आज तो मैं लगाया था, से चले गए तो हमको दिन को रात को पता नहीं चली कि कहाँ चले जा रहे हैं। इसी बाद में जाने के बाद में रास्ते में होश आया, होश आने के बाद में पुलिस उठ के देखी, पुलिस से सब हाल बताए, हाल बताने के बाद में फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में एक ठी लेडी पुलिस आया, दो ठी पुलिस आया, गाड़ी लेके, गाड़ी में लेके थाना में ले गया, कुछ ठिकाना लिखा, लिखने के बाद में वो लोग आश्रम में ले के रख दिया, वहीं बोली कि 15 दिन के बाद तुमको घर पहुंचा देंगे, टीवी में देंगे, पेपर में देंगे। और 14 साल चल गया, कुछ पता नहीं चला। और पीछे हम कितना चिट्ठी पठाए, 100-150 चिट्ठी पठाए, एक चिट्ठी आया नहीं, जिला नहीं जानते, पिन नंबर नहीं जानते, वो लोग नेट में कंप्यूटर से ढूंढ ढूंढ के ऐसा निकाला, तो ये चिट्ठी घर पर याद आता। 26 अक्टूबर 2006 को दुलस्सर यादव डुमरिया निवासी ने थाना भटगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी और वो लापता हो गई है। इस पे थाना भटगांव में गुम इंसान कायम किया गया था और लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी, काफ़ी प्रयास किया गया था। इसी बीच में अभी 6 फरवरी 2020 को गार्डन रिज स्लम डेवलपमेंट पश्चिम बंगाल कोलकाता से एक पत्र आया था, जिसमें वो महिला वहाँ पे उनके आश्रमों में रह रही है और उसके अपने घर के सदस्यों के बारे में जानकारी हुई और उस ये संबंध संस्था ने बताया। तब यहाँ से एक स्पेशल को अवगत करा के टीम गठित कर भेजा गया था, उनके परिजन भी साथ में थे और उसको दस्तयाब करके यहाँ पे लाया गया और उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
इसमें 2006 में वो लापता हुई थी, अभी 2020 में वो मिली है। तो इस संबंध में उसके घर के सदस्य काफी खुश हैं और वो उस समय ट्रेन के माध्यम से यहाँ से गई थी, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वहाँ पे कोलकाता में वो किसी अच्छे सज्जन को मिली जिसपे एक आश्रय होम में उसको रखा गया था, उसका इस दौरान इलाज चला। और इसमें जब इलाज के दौरान उसको अपने परिजनों का ख्याल आया और वो उनके बारे में जानकारी उसको जब संस्था ने दी, तब वहाँ से एक पत्र के माध्यम से यहाँ सूचना दिया गया था जिसपे यहाँ से टीम गठित करके भेजा गया और उसे दस्तावेज छत्तीसगढ़ के थाना बस